शहर हैदराबाद नामपल्ली के AIMIM MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने अपना नॉमिनेशन डालने के लिए विजयनगर MRO ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ नामपल्ली AIMIM इंचार्ज माजिद हुसैन के अलावा मिनहाज हुसैन और मकसूद हुसैन भी मौजूद थे। जाफर हुसैन मेराज ने अपना नॉमिनेशन डालकर वहां से सीधे फर्स्ट लांसर सैयद अहमद बादेपा दरगाह की जियारत की और अपने काफिले के साथ दौरे को जारी रखा। मोहम्मद यूनुस के साथ क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चले बादलों के पार सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। लगे पतली कमर बड़ी भली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और उसके रसूल का शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह सुबहाना और ताला ने मुझे दोबारा हल्के नाम पन्नी से पर्चे नाम आज दाखिल करने का मौका दिया है। मैं नफीद मिलत और हफीद मिलत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ नामपल्ली के तमाम वोटर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 2014 से 2018 तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी न सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि मेरे काम को हिम्मत अफजाई दी है। मैं तमाम नामपल्ली की आवाम का नामपल्ली के मंजिल मुस्लिमीन के सदर मोहतमुद्दीन एक्टिव वर्कर का उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहसीत AIMIM नामपल्ली कैंडिडेट आज मैंने अपना पर्चा नाम जरूरी दाखिल किया हूँ। मुझे अल्लाह की रात से उम्मीद है 7 दिसंबर को जो इलेक्शन होने जा रहा है तमाम नामपल्ली हलके की आवाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के न सिर्फ भरोसा रखी है बल्कि उनको उम्मीद है कि नसीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर हलका नामपल्ली आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा तरक्की करेगा। अब की मरतबा आपने देखा कली टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आपके खादिम का नाम Top 3 के अंदर आया है MLA के अंदर। ये अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह सुबहाना व तआला ने मुझसे काम ले रहा है। मैं नामपल्ली की आवाम से ये वादा करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला दोबारा अल्लाह सुबहाना व तआला ने मुझे मुंतखब करेगा और अल्लाह की ज़ात पे मुझे पूरा पूरा यकीन है आपकी मरतबा नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह अब जो टाइम रहेगा 2018 के बाद का वो इसमें मैं पहले से ज़्यादा आवाम के दरमियान में रहूँगा और आवाम से रास्त मुलाकातें उनके एरिए में करते हुए उन
उनके तमाम कामों को आने वाले दिनों के अंदर और बेहतर डेवलपमेंट लाऊंगा, और जो जो आवाम मुझसे जो भी काम कहना चाहेगी उसको मैं पूरा काम करने की भरपूर कोशिश करूंगा, और भरपूर बिल्कुल यूँ समझिए कि आप पूरा आउटराइट में काम करने के लिए तैयार हूँ। सब बीजेपी और काम ये दावा कर रहे हैं, पहली चीज़ कुछ फ़र्क पड़ेगा सर? एक चीज़ ये देखिए, आप नामपल्ली हलका, बेशक लोग समझते हैं कि नामपल्ली हलका उनके लिए केक वाक है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नामपल्ली हलके में है, ये बात अलग है। हमारा रास्त मुकाबला अगर किसी से है तो बीजेपी से है। बेशक यहाँ पर नामपल्ली हलके के अंदर बीजेपी अपना जोर लगा रही है और दूसरे पार्टियों से हमारे अपने लोग ठहर के हमारा वोट डिवाइड करना चाहते हैं, तो मैं आवाम से अपील करता हूं कि आप इन लोग की बातों में मत आइए। आप सोच समझ के फैसला करिए, डेवलपमेंट की बुनियाद पर फैसला करिए। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़ आपके बीच में रहती है, रोज़ आपके मसाइल को सुनती है और रोज़ ब रोज़ हल करने की पूरी कोशिश करती है। जो आप सुन रहे हैं, कोई भी पार्टी, एक आज़ाद उम्मीदवार भी अपने आप को ये कहते हुए आता है कि मैं इलेक्शन में जीतने वाला हूँ, अगर ये नहीं कहेगा तो कौन उसको इलेक्शन कैंपेन करने देगा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना मेहनत करेगी, काम करेगी और आवाम के दरमियान में रहेगी, और आवाम बराबर हमारे को आने वाले टाइम पे एक भारी अक्सरियत से जमात को कामयाब करेगी। बिल बटन में एक चेंज।